इस वक्त हम खड़े हैं 4:30 पुस्ता सोम बाजार में, और यहाँ पे 13 तारीख को करीब 9:30 बजे के आसपास एक फायरिंग होती है और यहाँ पे रोड रेस का मामला सामने आता है। पूरी घटना क्या है और कैसे इसमें क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। यह शॉप है तेजपाल की और उन्हीं के बेटे हैं राहुल। ये देखिए यहाँ ये सब्जी का काम करते हैं और यह सोम बाजार का एरिया पड़ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कूटी या बाइक लगने का मामला सामने आता है जिसमें तेजपाल और उनके बेटे की बहस होती है उस आशीष नाम के व्यक्ति उस बच्चे के साथ, और ये मामला इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे फायरिंग तक होती है। और लोगों ने ये बताया है, जैसा कि हमें भी सूत्रों ने बताया है, कि पिता ने बेटे का पूरा सपोर्ट किया है यहाँ पे फायरिंग करने में और उस बच्चे को गोली मारने में। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, फिर भी ऐसी सामने बातें आ रही हैं। और आप देखिए ये वो सर्कल है जहाँ पे वो बच्चा आशीष गोली लगने के बाद गिरता है और उसके फेस पे गोली लगती है। इसमें एक व्यक्ति जो कि नाबालिग है बच्चा, उसको अरेस्ट किया गया है। और ये चलता फिरता रोड है, आप देखिए ये 9:30 बजे की बात है और कल मंगलवार होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी दुकानें बंद थी, मगर यह हमेशा रोड चलता रहता है और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। यह बिजी एरिया है और चंद कदम की दूरी पे ये सामने ये पुस्ता रोड है, यह काफ़ी बिजी एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फायरिंग होती है 9:30 बजे के आसपास, और एक छोटा सा मामला स्कूटी लगने का या साइड लगने का अगर वह गोलीकांड में फायरिंग में बदल जाता है, तो आप खुद सोचिए लोगों की सोच कैसे हो चुकी है। और यह तेजपाल की वो दुकान है, ये देखिए ये जो बंद है शटर साइकिल के जस्ट बगल वाली, यहाँ वो सब्जी बेचते हैं। यहाँ पे उनके और उनके बच्चे द्वारा फायरिंग की जाती है और एक मामूली से झगड़े को गोलीकांड में और फायरिंग में बदल दिया जाता है। दोनों ही फरार हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मगर आप खुद सोचिए इतनी जरा जरा सी बातों पर अगर गोलियाँ चलती हैं तो इस एरिए पर इन लोगों पर भी क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये लोग कैसे हैं, इनकी क्या सोच है और ये इस तरह की हरकत कैसे करते हैं। यहाँ पे मंगलवार 9:15 बजे 9:30 बजे के बीच का मामला है, यहाँ पे फायरिंग होती है और यह उनकी दुकान है जो तेजपाल हैं और उनका बेटा राहुल, इन दोनों ने फायरिंग की है और यह दोनों ही फरार चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चा है आशीष, उसके साथ गोली की घटना होती है, उसको फायरिंग में उसको चोट लगती है फेस पे, और उसी का छोटा भाई भी यहाँ पे मौजूद रहता है अपने भाई को बचाने के लिए। वह दोनों ही एडमिट हैं इस टाइम हॉस्पिटल में। अब आप सोचिए अगर दिन दहाड़े 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे गोलियाँ चलती हैं, इस जैसे बिजी एरिए में गोली चलती है और एक मामूली सी घटना पे गोलियाँ चल रही हैं, तो आप समझदार हैं कि लोगों की सोच कैसी हो चुकी है, जरा जरा सी बातें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं और किस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और मामला यहाँ तक पहुँचता है कि लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, फायरिंग होती है उन पर और कई लोगों की अपनी जान पे बनाती है। आपने देखा कि यहाँ पे यह छोटी सी बात कितना बड़ा रूप ले रही है और यहाँ पे एक बच्चे को गोली लगती है, चलाने वाला भी नाबालिग है और जिसको गोली लगी है वो भी नाबालिग है। मगर ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो राहुल नाम का व्यक्ति है जो फायरिंग कर रहा है, जिसने की थी, वो पहले भी ऐसे केसों में जेल जा चुका है, उस पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। और यह वो मामला है सोम बाजार का 4:30 पुस्ते का, यह हिंदुस्तान डेयरी है, इसके पास की घटना है और इसके जस्ट आगे उनकी दुकान है तेजपाल की, जो इसमें अभिभक्त हैं और जिन्होंने ये फायरिंग की है और जिनके बेटे का इसमें नाम आ रहा है। न्यूज़ भारत TV सोम बाजार 4:30 पुस्ता दिल्ली।